एक्चुअली कल गांधी जयंती था, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि ये पूरा हफ्ता 2 तारीख से 10 तारीख तक चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, जो भी वल्नरेबल बच्चे हैं सड़कों पे, उन्हें रेस्क्यू किया जाए और उन्हें प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए। इससे पहले भी हमने काफ़ी ड्राइव्स की है, ये उन्हीं में से एक ड्राइव थी, एक ड्राइव का मतलब उन्हीं ड्राइव में से एक ड्राइव आज भी की गई और आइंदा भी की जाएगी, और बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा और प्रॉपरली इन्हें रिहेबिलिटेशन मिलेगी। आज हमने 14 बच्चों को रेस्क्यू किया है, फिलहाल हमने उनको शालीमार चिल्ड्रन होम, गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम भेजा है, जब तक हम इनके पेरेंट्स या गार्डियन से रब्ता ना करें। कोई हमारे पास रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। मसला ये है कि जो बच्चा हमारे पास रहना चाह रहा है, उसे हम न्यूट्रिशन, फूड, शेल्टर सारा कुछ दे रहे हैं, अपने चिल्ड्रन होम्स में प्रॉपरली रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं हम उनको। अब जो बच्चे हमारे पास नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि बच्चे का कंसेंट, उसका पार्टिसिपेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है, मे बी बच्चा हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा है या माँ बाप उसको हमारे पास नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि 5-6 दिन बाद वही माँ बाप उसको वापस सड़क पे ला रहे हैं। जब हम माँ बाप के हवाले बच्चे को करते हैं, माँ बाप से अंडरटेकिंग लेते हैं, या हमें लगता है कि उनके उनका वो फिनेंशली वो बहुत वीक है, तो बच्चे को एजुकेशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए हम उनको स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन बच्चों को मे बी ऐसा होगा कि 5-6 दिन बाद वो वापस माँ बाप उसी चीज़ में उनको मुलव्वस कर रहे हैं अपने बच्चों को। ये इन्वेस्टिगेशन ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अलग है, हमारा काम बच्चे को रिहेबिलिटेट करना है, बाकी इनको कौन लेके आ रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। कुछ कार्रवाई हो रही है? ये तो कह रही हूँ कि जो माफिया है, इनको गाड़ियों में सिग्नल्स पे छोड़ा जा रहा है या दरगाहों के बाहर इनको छोड़ा जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी देखेगी, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि सबसे पहली बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद रेस्क्यू करें बच्चे को। चलो अगर हम तक बच्चा नहीं पहुंच रहा है, हम आउटरीच करेंगे बच्चे तक और हम बच्चे को खुद रेस्क्यू करते हैं, अदरवाइज ये आम शहरी की भी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को रेस्क्यू करे और हमारे सामने प्रोटेक्शन दे दे बच्चे की, हमें रिहेबिलिटेशन का काम है बच्चे को लेकर। ज़्यादातर इसमें जितने भी हमने अभी तक बच्चे रेस्क्यू किए हैं और रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की है, वो सब ज़्यादातर नॉन लोकल्स ही है, मोस्टली बच्चे नॉन लोकल्स ही हैं, और उनमें से काफ़ी बच्चे रिहेबिलिटेट प्रॉपरली हो चुके हैं। ज़्यादातर के माँ बाप इधर ही थे उनके साथ, वो इधर ही रह रहे थे, मतलब स्लम एरियाज में सबके माँ बाप इधर ही थे और माँ बाप समेत वो भीख मांग रहे थे और माँ बाप समेत वो चाइल्ड लेबर में मुलव्वस थे। क्या वो पेरेंट्स, उनके खिलाफ कार्रवाई ये हुई कि उनके पेरेंट्स के साथ हमने रब्ता करने की कोशिश की, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग होगी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है, दूसरी जिम्मेदारी स्कूल अथॉरिटीज की है, और तीसरी जिम्मेदारी पब्लिक की बनती है कि जहाँ कहीं भी आप रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में बच्चे को यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, आपका एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप उनसे पूछें कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस वक्त पे। गोल